parents' preference for sons is not only preventing girls from being born, but is also causing higher mortality among girls who are born. A recent study published in Global Health has found that about 2,39,000 girls under age of 5 die every year in the country just because of their gender. So my today's poetry is on said girl's child, और उसका जो टाइटल है वो है लड़की होना क्या पाप है। लड़की होना क्या पाप है ना, फिर क्यों लगता दुनिया को लड़की होना मात्र एक अभिशाप है, भावी जिंदगी पर लगने वाले कलंकों की शुरुआत है। कलंक है लग गया तो जिंदगी बर्बाद है, इसलिए उस नन्ही जान की हस्ती ही मिटा देना इन दुनिया वालों की फितरत में बेशुमार है, बेइंसाफ है। आने से पहले ही उसे खत्म कर देना उसके स्वागत में इस दुनिया की सौगात है। लिंग जांच करा गर्भपात करवा दिया जाता है, आखिर क्यों लड़की के जन्म लेने से पहले ही उसे शमशान के घाट उतार दिया जाता है। क्यों एक बीज को पेड़ बनने से पहले ही उखाड़ फेंक दिया जाता है। घर बसाते तो हो एक लड़की के साथ तुम, फिर क्यों एक लड़की को ही जन्म लेने से पहले मौत की नींद सुला देते हो हर बार। एक लड़की ही 9 महीने अपनी कोख में रख तुम जैसे मूर्खों को जन्म देती है। असल में मूर्ख तुम नहीं, मूर्ख हम लड़कियां हैं जो तुम जैसे घिनौने दानवों की उत्पत्ति की वजह है। लड़की होना क्या सही में बेवजह है। दूसरे के बगीचे का पेड़ पौधा फूल फल तो चाहिए तुम्हें, पर वही पेड़ फूल फल का बीज खुद के घर उग आए तो क्यों बर्दाश्त नहीं है तुम्हें। लड़की का होना क्यों अभिशाप लगे है तुम्हें। 100 में से 99 को कोख में ही हलाल कर देते हो तुम, एक जन्म ले भी ले तो उसकी जिंदगी नरक बनाने में कौन सी कसर छोड़ देते हो।